हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनके जी महाराज सागर भाई। तो चलिए आज हम बात करते हैं, एक ऐसा बीज है फ्रेंड, ऐसा एक फल है, सब्जी है, जिनको सब जानते हैं लेकिन उनसे होने वाला क्रिया को नहीं जानते हैं। तो चलिए हम आपको आज दिखा रहे हैं कैसा वो सब्जी है। देखिए, ये देखिए ऐसा सब्जी है फ्रेंड, ये जिसको हम लोग कदीमा कहते हैं। अब आप इसे पता नहीं, कद्दू भी इसे कहा जाता है, लेकिन ये जो देख रहे हैं आप ना, वही है, दिखाई पड़ रहा है ये फल, इतने बड़े, पहचान गए होंगे इसको, यही है वो। ठीक है, इन्हीं के बारे में आज बात करेंगे हम आपसे। अब ये ले लेना है, ये नहीं कि दूसरे को ले, आपको ये वाला फल नहीं लेना है फ्रेंड। ये देख रहे हैं, ये कद्दू है और वो कोहरा है, लेकिन वैसे पता नहीं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ कहा जाता है। ये जो है ये कद्दू है फ्रेंड, देख रहे हैं आप, लेकिन आपको इसको नहीं लेना है, आपको उसी को लेना है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, इनको लेने के बाद क्या है फ्रेंड, क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड, ये जो सब्जी है, जो कद्दू मैंने आपको दिखाया, उसको कोहरा बोला जाता है, कदीमा बोला जाता है उसे, और पता नहीं है अलग अलग भाषाओं में क्या क्या है, मैंने अपनी भाषाओं से बताया। दूसरा जो मैंने दिखाया आपको व्हाइट कलर का, इसका नाम कद्दू है, उनका नाम कदीमा है। तो आपको कद्दू नहीं लेना है, कदीमा लेना है वो, ठीक है, जो अंदर पीला निकलते हैं और उसको लेना है, व्हाइट कलर का नहीं लेना है। और उससे क्या होगा फ्रेंड, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो भयंकर से भयंकर काला जादू उससे आप खत्म कर सकते हैं कदीमा से। कैसे होगा, नज़र उतारने वाला भी चीज़ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप कभी आजमा के भी देखिएगा। उससे मैं दो फायदा आपको बताऊंगा। सबसे पहला कि भयंकर से भयंकर काला जादू यदि किसी ने किया है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। सिर पर उसको जो है सो घुमाना है फ्रेंड, और उसमें एक काजल का जो होते हैं काजल, उनका एक टिक्का देना है, और ये वाइट कलर का चूना होता है जिसको खैनी के साथ में, तंबाकू सेहत में खाना खाया जाता है, तो वो चूना उसमें लगाना है, एक टिक्का देना उसका, सिंदूर का देना 5, और इसके बाद उसारा करना, यानी जिसके शरीर पर भयंकर काला जादू किया है उससे उतार करके, और ले करके आपको जाना है एक ऐसा प्लस वाला जो रास्ता होता है, प्लस वाले रास्ते में ले जाना है, और वहाँ पे संडे के दिन में आपको करना पड़ेगा फ्रेंड। ये सब जो काम होते हैं, काला जादू जो भी है, संडे के दिन में होता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जब भी आप जाएंगे उस तरह रास्ते पे और ज़ोर से उसको पटकना है, तो उसमें क्या होगा फ्रेंड, यदि आपके साथ उसके साथ जिसके ऊपर उसारा किए हैं आपने, काला जादू किया है, तो देखिएगा उसमें से 200 से ऊपर, यानी 10-20 ऊपर हो जाए, 200 से एक कुछ नीचे हो जाए 10-20, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इतना दाना निकलता है उसको तोड़ के, ठीक है, निकालिएगा, तो आप समझ लीजिएगा फ्रेंड, गारंटी के साथ उसमें उसके ऊपर में काला जादू किया हुआ है। उसमें दाना बीज निकलते हैं फ्रेंड, इतने बड़े बड़े, वो बीज को आप आराम से गिन सकते हैं, इतने लंबे लंबे बीज होते हैं उनके, दाना जो होते हैं उनका। तो आप देखिएगा, 200 से ऊपर हो गया 10-20 और 200 से नीचे हो गया 10-20, कोई बात नहीं है, उतना दाना निकलता है यदि, तो समझिए कि निश्चित रूप से उसमें काला जादू किया है फ्रेंड, ये गारंटी के साथ है। आप किसी के ऊपर में ये काला जादू अगर किया है तो उससे आप उसारा करें, उससे गारंटी के साथ ठीक होगा। अब चलिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आप कोई मन्नत मांगने जा रहे हैं, तो दशहरा जिसको हम लोग बोलते हैं, दशहरा यानी कि दुर्गा पूजा जो होते हैं फ्रेंड, अक्टूबर में या चैत में, अभी आ रही है चैत में भी दशहरा होती है, चैत दशहरा बोलते हैं हम लोग, तो आपको एक मन्नत मांगना है, ठीक है फ्रेंड। कोई प्यार के लिए मांगता है, कोई पत्नी के लिए मांगता है, कोई पता नहीं धन दौलत के लिए क्या क्या चीज़ के लिए मांगता है। अब मैं बता रहा हूँ, आपको वहाँ पर जाना है, यही कदीमा लेकर के आपको गचना है कि मैं यदि मेरा जो काम है, यानी आपको जो भी मन्नत मांगना है, ठीक है, यानी लड़की ही मांग रहे हैं आप, वशीकरण कर रहे हैं, तो उससे भी ये वशीकरण खतरनाक होता है। आपको जो भी देवता को देना है वो अलग की बात है, लेकिन आपको देखना है कि ये काम मेरा पूरा होता है कि नहीं। तो 175 दाने यदि उसमें निकलते हैं, देखिए फ्रेंड अलग अलग की बातें हैं, काला जादू किया है तो 210-20 ऊपर या 10-20 नीचे होंगे, लेकिन यदि आप वशीकरण करने के लिए जा रहे हैं तो वशीकरण में भी आप बोलेंगे, आप देखिएगा 175 दाने,
यदि उसमें बीज के निकल गए 175 दाने, तो आप समझिए कि आपने जो देवी से मन्नत मांगी है वह 100% आपका कामयाब होगा, 100% वो आपको मिलेंगे। तो ये करना कैसे है फ्रेंड, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उषारा के लिए तो मैं बता दिया कि यदि किसी के ऊपर काला जादू किया, उसको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठाना है, एक गमछा काले रंग का पहना देना है और कोई सिलाया हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए, तो उषारा करके उसको ले जाके चौबटिया पे तोड़ दीजिए। उससे देखिए 210 दाने ऊपर या 20 10 दाने नीचे हो, 10-20 दाने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझिए काला जादू किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, यदि उसमें से 100 दाने निकले, 50 दाने निकले, तो उसमें समझिए कि नहीं किया हुआ है उतना। और यदि आप वशीकरण करने चल रहे हैं फ्रेंड, तो मन्नत मांग रहे हैं देवी से, ये मन्नत मांगने के लिए आपको बता रहे हैं कि ये काम होगा कि नहीं पूरा। यदि मेरा काम पूरा होगा तो मैं आपको ये चीज दूंगा, वो अलग की मैटर है, लेकिन आपका काम पूरा होगा कि नहीं ये कदीमा बताएगा आपको। तो इसलिए उसको ले जा करके, एक कदीमा जो पक गए हैं उसको ले जाके तोड़ना है, 175 दाने लगभग निकल जाते हैं, या उससे 10 कम निकलते हैं या 10 ज्यादा निकलता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड। लेकिन उतना अगर निकल जाता है तो आप समझिए कि आपका जो भी मन्नत मांगे थे आप, वह देवी के सामने में वह निश्चित रूप से आपका पूरा हो गया। तो गारंटी के साथ ये वशीकरण और ये जो मैंने आपको बताया आप करके देखिए।